सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी जूझना ना छोड़े जब तक आप अपना निर्धारित स्थान ना पा लें, जो कि सबसे अलग है। जीवन में एक लक्ष्य बनाए लगातार ज्ञान प्राप्त करते रहें, कड़ी मेहनत करें और लगन से महान जीवन को प्राप्त करें। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो, जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में अभी मत सोचो। कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और कठिन होगा, लेकिन परसों जीत अवश्य मिलेगी। आज का पंचांग 7 नवंबर 2020, दिन शनिवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह 7:23 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 8:05 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:24 से 10:46 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। मेष राशि 7 नवंबर 2020, दिन शनिवार, एक पेशवर नुकसान आपको चिंतित कर सकता है। ब्रेक लेकर थोड़ा मजा लें, साथ ही बच्चों के साथ मनोरंजन आपके मूड को हल्का कर देगा। जोखिम भरे कामों से बचे और बुजुर्गों से सलाह लें। उन संबंधों में कूटनीतिज्ञ बने जो अभी आपके तनाव का कारण है। आज आप उदासीन महसूस करेंगे, किंतु यह उदासीनता आपके मार्ग में आने वाली हर समस्या को दूर करने में मदद करेगी। असंभव को संभव बनाने के लिए तैयार हो जाइए। वाहन सावधानी से चलाएं। विचार करने के लिए खूब समय ले, लेकिन जब काम करने का समय आए तो सोचना बंद करके अपने काम में लग जाएं। आप अपनी दिनचर्या को संतुलित तथा व्यवस्थित बनाकर रखें, जिससे अधिकतर काम समय पर पूरे होते जाएंगे। विद्यार्थी तथा युवाओं को इंटरव्यू या करियर संबंधित परीक्षा में सफलता की पूरी संभावना है, इसलिए वे लोग अपनी पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाना जरूरी होता है, परिस्थिति के साथ समझौता कर लें। जीवन के लक्ष्य के प्रति प्रगति देखने के लिए मन में सकारात्मक विचार होना जरूरी होता है, जो आपके निर्णय क्षमता और कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। इसीलिए सकारात्मक सोच पर ध्यान दें, योजना पूरी बनाकर ही आगे बढ़ें। करियर में आर्थिक प्रगति ना देख पाना काम का उत्साह कम करा सकता है। पार्टनर द्वारा बनाई गई बातों को गोपनीय रखें। सावधानियां, मौज मस्ती और फालतू कामों में समय ना बिताएं, इससे आपके कई महत्वपूर्ण कामों में रुकावट आ सकती है। अपनी मानसिक व शारीरिक ऊर्जा को बनाकर रखें, किसी पारिवारिक सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। विवाहित जीवन सुखमय रहेगा, लोगों के साथ घूमने फिरने में भी खुशनुमा समय व्यतीत होगा। यह समय है अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने और मनोरंजन का। आपकी सकारात्मकता और रचनात्मकता के लोग कायल हैं और जल्द ही आपको कोई ऐसा मिलने वाला है जो आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन जाएगा। रोमांस के सपने आपको दिव्य लोक में ले जाएंगे। एक कहावत है कि क्षमा करो और भूल जाओ, अधिकतर कामों में यह बात सही है। हालांकि भूल जाना माफ करने से अधिक मुश्किल है, किंतु इस तरह से आप अपने प्यार को और भी नजदीक पाएंगे। प्यार क्षमा करने का ही दूसरा नाम है।
मूड में बदलाव के कारण आज किसी भी विशेष काम को करने से बची। बात करते हैं करियर की। अपनी विफलता का सामना करना और सफलता के खेल का मजा लेना आपको अच्छे से आता है। आपके विचार और सपने आपके दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं। लॉटरी जुआ या स्टॉक चिंता का कारण बनेंगी। आज आपका पूरा दिन धन से संबंधित है। पैसे कमाने वाली योजनाओं और कार्यों की तरफ आप अधिक आकर्षित होंगे। आपके सितारे भी आज आपको धन और संपत्ति के साथ नवाजने वाले हैं। बस अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें। नई योजनाएं शुरू करने के लिए नए लोगों का समर्थन भी आपके लिए फायदेमंद है। बात करते हैं सेहत की। आज आपका शारीरिक स्वास्थ्य और विचार अच्छे रहेंगे क्योंकि आज आप आध्यात्मिकता का रास्ता अपनाएंगे। इससे तनाव कम होगा और विचारों में भी बदलाव आएगा। इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आप अध्यात्म में अपना मन लगाएं ताकि लंबे समय तक आपके अंदर मानसिक और भावनात्मक शांति बनी रहे। आज का उपाय। आज अब शनि भगवान जी को काली तिल अर्पित करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।